वैसे आजमगढ़ मेरा घर है, मैं यहीं पला बढ़ा भी हूँ और यहाँ के ज़्यादातर लोगों को मैं पहचानता भी हूँ, लोग तो मुझे पहचानते भी हैं। और दूसरी बात ये कि आजमगढ़ में शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिले जो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित ना हो। हर आदमी यहाँ अपना राजनीतिक झुकाव रखता है और वो बोलने में भी बिल्कुल आगे रहता है। और कई बार सरकार जब जिसकी बनती है उसके खिलाफ के लोग यहाँ ज़्यादा ही जीतते हैं, जैसे कि 10 विधानसभा जब समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब भी आजमगढ़ से 10 विधायक नहीं जीते, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ और सरकार बनी तो आजमगढ़ के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते। इसके पहले के भी बहुत रिकॉर्ड ऐसे हैं। वैसे कम लोग ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की जब सरकार कांग्रेस के खिलाफ 1977 के बाद बनी थी तो उस समय आजमगढ़ के ही राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उनका अपना एक स्थान है। चंद्रजीत यादव यहाँ समाजवादी चिंतक नेता के तौर पर बहुत जाने जाते थे, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री भी थे और उन्होंने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ किया। तब के ज़माने में 70 के दशक में सेंट्रल स्कूल लाने का काम भी उन्होंने आजमगढ़ में किया, तब जबकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी प्रोजेक्ट इस ज़िले में नहीं था। तो इस तरह से और युवा तुर्क जो प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के जिन 3 नेताओं ने कांग्रेस के भीतर रहकर उनकी एक तरह से मुखालफत की थी, उसमें चंद्रशेखर युवा तुर्क 3 लोगों को कहा जाता था, युवा तुर्क चंद्रशेखर रामधन और मोहनधारिया, तो रामधन भी यही आजमगढ़ की मिट्टी से थे। मैं राजनीतिक लोगों की बात कह रहा हूँ, अमर सिंह और शबाना आजमी को तो आप सब जानते ही है। और एक समय में आजमगढ़ से लोकसभा और राज्यसभा में 9-9 सांसद एक ही जिले के थे, तमाम उसमें राज्यसभा के थे, 2 लोकसभा के थे। कुछ लोग यहाँ एक दूसरी बेल का शरबत इधर बहुत गर्मियों में पिया जाता है तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, मैंने सोचा बाकी की बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें ये जानने के लिए आया हूँ कि इस बार भी समाजवादी पार्टी के हारने के चांस हैं। आप सही कह रहे हैं, इस बार गठबंधन के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। ईमानदारी तो पूछ रहे हैं, हारने के चांस हैं कि नहीं? यहाँ बीजेपी हार जाएगी, समाजवादी का कैंडिडेट है वो जीतेगा। तो पिछली बार अभी कितना दिन हुआ, 15 महीना पहले ही तो हार गया। नहीं, उस समय का माहौल राष्ट्रीय माहौल स्तर का माहौल नहीं था। इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है चुनाव हो रहा है और इस पे बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं और एकजुट होकर के जो है मोदी सरकार के खिलाफ वोट करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की अभी यहाँ रैली हुई, बड़ी लंबी चौड़ी रैली, मैं तो आया नहीं था लेकिन लोगों ने बताया कि बड़ा ज़बरदस्त जनता यहाँ पर आई। उन्होंने ट्वीट भी किया था आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद। बड़े भाई आपको सबसे पहले, आप तो मेरे गांव घर के हैं, जिले के हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसीलिए जिले में आके थोड़ा हम उस तरह से कार्यक्रम कर भी नहीं पाते। आप तो घर भाई है मेरे, प्रधानमंत्री जी आवे जहाँ 10-20 हजार आदमी आवे जहाँ, लेकिन नहीं नहीं 10-20 हजार नहीं, और कितना थे? सब सरकारी कर्मचारी गए थे, पुलिस वाले गए थे, प्रशासन के लोग गए, तो जाते हैं सिक्योरिटी में, तो बस 20-20 हजार तो आदमी नहीं थे, बाकी सिक्योरिटी वाले को सुनाए अपना बात। रह गई बात आपकी, बात एक चीज मान रहा हूँ कि आजमगढ़ धरती अपना अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। आजमगढ़ धरती अपने अपमान का बदला लेने के तैयार है। राजू रंजन भैया उन्हें बीमारी है देख लेगा, ऐसा है कि आजमगढ़ की धरती अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। एक बार योगी आदित्यनाथ जी सांसद के रूप में आए और आजमगढ़ में आते ही आतंकवाद और आतंकगढ़ की नर्सरी कह गए, बीबीसी लंदन बोला था। आप जानते भी, आपसे बड़ा पत्रकार हिंदुस्तान में, हमारे सौभाग्य की आप भाई आप हमारे बारे में छोड़िए, आप आजमगढ़ के, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब दोबारा आए तो उस समय बाबूजी रामनेश यादव मेहता पार्क से उसका जवाब दिए थे, आप भी थे उसमें। लेकिन जब दोबारा आए तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार आजमगढ़ आए तो फिर कहे आतंकवाद की नर्सरी आतंकगढ़ है। शर्म नहीं आती कि आजमगढ़ के भौगोलिक ज्ञान के रूप में नहीं मालूम, आजमगढ़ के इतिहास के रूप में नहीं मालूम, आजमगढ़ के व्यवस्था के रूप में? अरे आजमगढ़ वो धरती है जहाँ दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा ऋषि के तपोभूमि, उस धरती कहते हो आतंकगढ़ है, जो आजमगढ़ की अल्लाह माँ शिवली नुमानी कैफी आजमी धरती कहते हो आतंकगढ़ है, जो देश के सबसे सामाजिक न्याय के पड़ेता चंद्रजीत यादव उसको कहते हो कि आजमगढ़ की
आतंकवाद की नर्सरी है। देश का पहला वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह, उस धरती को आप कहते हो कि आतंकवाद की नर्सरी है, उस धरती को आप कहते हो। अरे आप पूरा इतिहास भूगोल बताने लगे, वैसे तो मैं भी जानता हूँ अयोध्या सिंह हरिओध यही के राहुल सांकेत्यायन यही के कैफी आदमी यही के, लेकिन बोलते का मतलब जब बाटला हाउस एनकाउंटर होगा, जब आतंकी हमले जगह जगह होंगे, जब उसके सुराग आजमगढ़ से जोड़े जाएंगे, जब अबू सलेम आजमगढ़ से जाएंगे, तो आदमी ये नहीं कहेगा कि आखिर क्या बात है कि इतने ज्यादा जगहों से आजमगढ़ के तार जुड़ते हैं। ये भी तो एक 70 साल की बात हुई, अटल जी की सरकार थी, आपने जब बाटला एनकाउंटर किया ठीक चलते हैं, लेकिन संसद पर हमला किसके समय में हुआ, हवाई जहाज अपहरण किसके समय में हुआ? आप तो आप आतंकी घटना पे जाने लगे, मैंने आजमगढ़ को जोड़ने से कह रहा हूँ कि क्यों जोड़ा लोगों ने। यही लोग जोड़े जो कभी आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो आजमगढ़ हिंदुस्तान में कभी आजादी की लड़ाई में नहीं थे। बहादुर साहब भी जफर भी यहीं के थे, यहीं के सारे लोग थे। तेरी के अब सबको यहीं के कह दीजिए, आजमगढ़ के लोगों में एक भी ये भी दिक्कत है कि पूरा जो है ये इसका भी एक अलग राष्ट्रवाद है आजमगढ़ का। तो बहरहाल अब मुझे आप ये बताइए, इस चुनाव में हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन, 1.5 लाख से। पिछले चुनाव में भी जब हम यहाँ 4-5 दिन थे, समाजवादी पार्टी की बड़ी लहर चल रही, लहर तो थी, नतीजा आया तो 10 विधायक होने के बावजूद हार गया। विधायकों का करी हम, उन्होंने बताई आज तो कदे विधानसभा से हार जाए वहाँ से जीत जाए वह वाले, लेकिन हमने खड़े हैं, जनता लड़ रही, विधायक नहीं लड़ रहे हैं। चलिए आप बताइए भैया इनकी बात। सबसे पहले मैं इनको दुरुस्त करना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय ऐसा आ गया था कि यहाँ आतंकगढ़ कहा जाने लगा था, कहीं भी बम ब्लास्ट होते थे, कहीं भी कोई घटना होती थी, उसके तार कहीं ना कहीं आजमगढ़ के कुछ लोगों से जुड़ते थे, ना कि सभी लोगों से, लेकिन कुछ लोगों से जरूर आकर के जुड़ते थे। और जब आजमगढ़ ने इनसे विश्वविद्यालय मांगा तो इन्होंने विश्वविद्यालय बनाना उचित नहीं समझा, इन्होंने उसके बजाय जेल बनाना उचित समझा, क्योंकि इनके गुर्गे जेल में जाके कैसे रहेंगे इनकी इसकी फिक्र थी, ना कि आजमगढ़ के छात्र कैसे पढ़ेंगे इसकी फिक्र हो। इन्होंने कभी आजमगढ़ को बढ़ाने का काम नहीं किया, इनका मानसिक संतुलन खराब था कि यहाँ के लोग क्राइम करें, क्राइम करने के बाद जेल में जाए। कैमरा घुमाइए, उसको देखिए, वो कैमरा घुमाइए, उधर सामने सामने कैमरा घुमाइए, क्या बोलते हैं लोग, कैमरा दिखाइए, क्या बोलते हैं मेरे, ये चूंकि कैमरा ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक मिनट सुनिए, ये जो कलेक्ट्रेट है आजमगढ़ का, उत्तर प्रदेश के कलेक्ट्रेट में यानी जिला अधिकारी के कार्यालय में अगर सबसे अच्छे कलेक्ट्रेट्स की बिल्डिंग का नाम आएगा तो उसमें आजमगढ़ का ये कलेक्ट्रेट भी आता है जिसको समाजवादी पार्टी के सरकार में बना। अरे मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। सुनिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कमिश्नरी भी यहाँ बनाई, कैंपस बना है कृषि विश्वविद्यालय का, जो कैंपस बना है कोटवा फार्म में, वो जेल है कि पढ़ने का संस्थान है, वो किसने बनाया? समाजवादियों ने नहीं तो बनाया है ना उसको, वो सब बनाया एक तरफ, एक मिनट, वो सब बनाया, बताइए वो सब बनाया एक तरफ। जेल की बात करते हैं, पीजीआई से लेकर के और पीजीआई से लेकर के और कोटवा फार्म जो कृषि विश्वविद्यालय, मैं नहीं कहता, मैं सुनिए, काम किया है अस्पताल अतरौलिया से लेकर के और तारावा मेहना, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवाद, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया, मैंने ये भी कहा कि उन्होंने जितना काम किया उससे ज्यादा आजमगढ़ ने उनको दिया। जब अपने गृह जनपद में अखिलेश यादव सारी विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, जब कन्नौज में अपने जनपद में वो सारी विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, जब मैनपुरी मुलायम सिंह यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में अपनी विधानसभा की पूरी सीटें नहीं जीत पाए, तो आजमगढ़ की 200 विधानसभा के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुना, तो ये फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बावजूद भी बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी हार गई, तो वही दोहराया जाएगा? नहीं, अब क्यों नहीं दोहराया जाएगा, अब की दिनेश लाल यादव ही जीतेंगे और पूरे पूर्व बहुमत से जीतेंगे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाय इलेक्शन जो होता है, 15 महीने के एमपी का चुनाव था, 15-16 एक मिनट सुन लीजिए,
15-16 महीने के एमपी का चुनाव था। अगर वो बीजेपी जीत सकती है तो ये चुनाव तो राष्ट्रीय है, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चेहरा लोगों को दिखाई दे रहा, तब आपको लगता नहीं कि मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि माननीय धर्मेंद्र जी चुनाव अगर जीतते भी हैं तो यही धर्मेंद्र जी और यही के सपा के लोग कहेंगे कि भाजपा की सरकार बनी है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर यही दिनेश लाल यादव जी सांसद बनते हैं तो हमारी जो भाजपा की सरकार रहेगी फिर यही पैसा आएगा। यही 1.5 साल में दिनेश लाल निरहुआ जी ने ये साबित किया है अपने कार्यकाल में कि हम क्या क्या करा सकते हैं। अगर उनको 5 साल का मौका दिया जाएगा उस इससे भी आप कुछ और कर रहे थे। राहुल का है मोदी और राहुल का है तो ना अगर ये मुद्दा है ना निरहु मुद्दा है राहुल गांधी, मुद्दा है नरेंद्र मोदी। जहां तक इन्होंने बात किया विकास मोदी और राहुल गांधी में तो दो चुनाव हो लिए, देखा आपने नतीजा आने। ये जो चुनाव है देखिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं लगा दी गई, सारी पूंजी लगा दी गई। आज राहुल गांधी पैदल चल करके खुद को साबित कर चुके हैं और गरीब तबका जो उसमें बता रहे हैं।